अभी आपको अहम खबर दें, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो गए हैं। इससे कबल हम ये बात भी कर रहे थे कि पीसीबी ने बाबर आजम को ये बताया था कि कप्तान बरकरार रहेंगे लेकिन वाइट बॉल के हवाले से कुछ फैसले किए जाएंगे, लेकिन अब ये खबर हम सामने आ रही है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो गए हैं। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ भाई, कहना नहीं चाहूंगा, करके दिखाऊंगा भाई। किंग भाई मैं कहता हूँ यार, मुझे आज पूरी उम्मीद थी कि विराट कोहली आज सेंचुरी करेगा ही करेगा, और उसने करके भी दिखाया, उसने सालगिरह के दिन भी कुछ ना कुछ करके दिखा दिया। क्या बोला था भाई मैंने, क्या बोला था? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको धक धक हो रहा है। अभी बताओ कहाँ धक धक हो रहा है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त यार, माँ की आंख क्या तोड़ा है भाई न्यूजीलैंड की टीम को। और मोहम्मद शामी वाज अ गुड एडिशन इन टीम इंडिया, और 5 विकेटें निकाली, जबरदस्त खेला। और कोहली हमेशा की तरह नंबर 1 इंटरनेशनल लेवल का किंग ये होता है जो कि मैच विनर होता है, कंसिस्टेंट होता है, बारहा अपनी टीम को मुश्किल से निकालता है, नैया को एंड तक लेके जाता है। पहले टीम का सोचता है, बाद में जब देखता है कि टीम पक्का जीत रही है फिर सेंचुरी का सोचता है। Well, let me start with you, वसीम। Yes. पता ही नहीं मुझे कितनी तारीफें करें इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब we've been just, yeah. every time they go out to play, they just, you know, outshine everybody, they outclass their opponents, and they look unstoppable now. It's like, right. yeah, मैं विराट को पहले नहीं जानता था, मैंने जब आज बैटिंग देखी, खुदा की कसम आज मैं फैन हो गया, मुझे आज पता लगा ये विराट कोहली है, और पता आज लगा ये बाबर का बाप है, विराट बाबर के अबू है। एक टाइम आएगा कि लोग सचिन को भूल जाएंगे और कोहली को याद रखेंगे। कोहली जैसे अपनी क्रिकेट टीम का एक किंग है ना, तो वो अपने नीचे सारे किंग पैदा कर रहा है, और उसको देख के सारे बाकी बैट्समैन भी किंग की तरह खेलते हैं और किंग बन रहे हैं। विराट कोहली सुबह उठता है तो कोई ना कोई रिकॉर्ड उसके साथ आता है, वो शाम को जब मैच खेलता है तो उसके बाद कोई एक रिकॉर्ड जो है वो टूटा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। अब आज उसने साबित कर दिया कि बाबर का अबू कौन, विराट कोहली। बाबर का अबू कौन, विराट कोहली। वेलकम टू स्मॉल स्पीक्स भाईजान, फाइनली द किंग कोहली ने अपने 50वें 100 के साथ न्यूजीलैंड का घंटा सेमीफाइनल में बचा के रख दिया। कोहली ने बता दिया, आई एम द रियल फादर ऑफ क्रिकेट, आई एम द एम्परर ऑफ दिस क्रिकेट। यार विराट कोहली तो जान है हम सब पाकिस्तानियों की, हमारे दिल में बसते हैं। विराट कोहली के लिए क्या लाइन, विराट कोहली के लिए दास्तानें लिखने पड़ेंगे, 2-3 लफ्ज छोटे हैं। आज इंडिया की इस जीत का क्रेडिट आप किसको देंगे, शामी को या फिर विराट कोहली को? इंडिया की ये ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर शामी की तरफ देखा जाए तो वो उसने मैच को स्कोर को बहुत रोका है। अगर स्कोर को रोका है तो क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते, जिस तरह 5 रन रहता तो वो सिंगल करके भी चेस बना सकता था, डबल वगैरह टाइम लेके, पर उन्होंने कहा बस जितनी जल्दी हो सके मैं मैच फिनिश करूँ, मैं अपनी रन रेट को ऊपर लेके आऊँ, तो वो अपनी रन रेट के चक्कर में ये विकेट दे बैठे हैं, वो उनके लिए अच्छी बात है। जो यार एक इतना बड़ा प्लेयर और इस टाइम पे फॉर्म में आना किंग कोहली जैसा प्लेयर, तो यार इंडिया की बैटिंग जबरदस्त है शुरू से। सुपर किस्म की बैटिंग की आज एक बार फिर से विराट कोहली, द ग्रेट रन मशीन एवर प्रोड्यूस बाय इंडिया। क्या शानदार किस्म की बॉल आज कह लेंगे विराट ने बैटिंग की है। मैं कह रहा हूं बड़े नाम आपने बनाने हैं ना, तो विराट को देखिए और उससे सीखिए कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पे अक्सर विराट अकेले ही खड़े होते हैं, सब चले जाते हैं लेकिन विराट खड़े रहते हैं। और फिर एक बार उस बंदे ने साबित कर दिया है कि चेज करना है, बुलाओ विराट को, हाजिर है भाई। देखिए विराट कोहली और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तारीख रकम कर दिया, विराट कोहली ने तारीख को तोड़ दिया। न्यूजीलैंड टीम का हमेशा इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में पलड़ा भारी था, लेकिन आज विराट कोहली की हीरोइक नॉक गोल भी था, और साथ साथ इस वर्ल्ड कप 2023 का विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर। आज विराट कोहली ना होता सारे गंदे खान, सारे फंदे खान, सब फर्क कोहली है, कोहली को रिटायर करे, पनौती है, पलड़ा है, कहा वो सारे आज निकाले हमें बाहर। और ये बेशरम बेहया आज वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो कहते थे, आज कह रहे नहीं हमारे अबू जान विराट कोहली है। बेटा जब विराट कोहली स्कोर कर रहा है सारी दुनिया मान रही है, जब विराट कोहली नहीं कर रहा था कोई बल्ला पकड़ना सिखा रहा है, कोई बैटिंग सिखा रहा है, कोई स्टाइल बता रहा है, कोई बैटिंग बैट में क्या बता रहा है। और बड़े बड़े नन्हे खान अरस्तू जो बैठे हुए हैं वहां पे, बड़े बड़े यहां तो छोड़े, वहां जो बड़े बड़े अरस्तू बैठे हैं वो इसको निकाले, ये स्पेशल है, ये बुलाना है। भारत ने न्यूजीलैंड को इन दी एंड साथ नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरऑल परफॉर्मेंस, अनबीटन टीम है, और ये मुकाबला सब समझ रहे थे इंक्लूडिंग मायसेल्फ के तगड़ा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है एक स्मार्ट टीम है, स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, कंडीशंस को सामने रख के अच्छे डिसीजंस करते हैं, और फिर इनके पास टैलेंट भी है, मगर भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से, खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में कोई टीम इनको छू नहीं सकती है, क्योंकि बैटिंग में बेइंतहा टैलेंट है, बॉलिंग में बेइंतहा टैलेंट है, और आज दोनों डिपार्टमेंट्स में पता चला कि क्यों
वो न्यूजीलैंड से अच्छे और क्यों बाकी टीम से बहुत आगे निकल गए हुए हैं? लेट्स टॉक अबाउट द न्यूजीलैंड बैटर्स. न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे शुरू में वो बड़े अनकंफर्टेबल नजर आए और वो पिच जो थी मुश्किल लगना पता नहीं क्यों लग रही थी जैसे बड़ी मुश्किल है. वाज इट द पिच और वाज इट जस्ट स्पेक्टेकुलर बॉलिंग बाय द इंडियन बॉलर्स? बॉलिंग भी अच्छी हुई लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो प्लान लेके आए कि विकेट सेव करनी है हमने, एट द एंड हम जाके रन बना लेंगे यू नो. और मिडल ऑफ द इनिंग्स हमने देखा कि 22-40 ओवर्स तक हम जाते हैं, बहुत ही अच्छा एवरेज मेंटेन किया है. 185 रन बनाए उन्होंने एट द एवरेज ऑफ 6.1. मैं समझता हूँ कि ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल जो आपकी प्लानिंग होती है उसकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन होती है और वो हुई. बट जो प्लान था आखिरी 10 ओवर्स का आई थिंक वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके. नो डाउट बॉलिंग वाज वेरी गुड, स्पेशली वी मस्ट प्रेज शामी'स बॉलिंग जिन्होंने ये विकेट लिए आके. इंडिया ने बता दिया कि वो बाप है पूरे वर्ल्ड का, में इनसे बड़ी टीम पैदा नहीं हुई. सबसे बड़ी टीम इस टाइम जो वर्ल्ड का में नजर आ रही है वो इंडिया की. बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ है, बड़ा मजा आया है. आज जैसे इंडिया ने धोया ना न्यूजीलैंड को ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान टीम को धोड़ा था. सीधी सी बात है जैसे लास्ट मैच में धोया उन्होंने. बहुत ही एक्साइटेड खेला इंडिया ने आज. इंडिया ने बता दिया कि वो बाप है पूरे वर्ल्ड का, में इनसे बड़ी टीम पैदा नहीं हुई. सबसे बड़ी टीम इस टाइम जो वर्ल्ड का में नजर आ रही है वो इंडिया की. आगे जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एक लाइन खेली थी इंडिया ने आज, उन्होंने बता दिया भाईजान इससे आगे नहीं आना, अगर इससे आगे आओगे तो इंडिया मिलेगा और इंडिया ऐसे मिलेगा जैसे आपको मिलने का हक होता है. वो आपको ठोकेगा भी, बजाएगा भी और आपको बताएगा भी कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ऐसी टीम लेके आते हैं, ऐसे बॉलर्स लेके आते हैं. ये इंडिया बहुत ही बड़ी टीम बन चुकी है मैम. मैं तो खुद परेशान हो गया था इंडिया की टीम को देख के यार, इतनी अच्छे प्लेयर्स, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी. मजा आ गया आज के मैच में. आप ऐसे खुश हो रहे थे पाकिस्तान जीता हो सर? देखें पहले मैं पाकिस्तान को आगे